अभी आप अनंत ग्रंथ के एक हिस्से में से देवगंधा सुन रहे थे। अब संगत की तरफ से कुछ प्रश्न हैं। छह ऋतुएं मानी गई हैं, ये कब कब आती हैं? हमारे यहाँ भारतवर्ष में छह ऋतु हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। फागुन और चैत, ये दो महीने, इनमें सूर्य फागुन में मीन में और चैत के महीने में मेष राशि पर एक महीने तक रहता है। इन दो महीनों में बसंत ऋतु पृथ्वी पर रहती है। इसके बाद बैसाख और जेठ, ये दो महीने आते हैं और सूर्य बैसाख में वृष राशि पर और जेठ में मिथुन राशि पर एक महीने ठहरता है। तो उस समय ग्रीष्म ऋतु बैसाख और जेठ में दो महीने मानी जाती है। आषाढ़ और सावन, आषाढ़ में सूर्य कर्क राशि पर होता है पूरे महीने और सावन सिंह राशि पर सूर्य होता है और ये वर्षा ऋतु मानी गई है। शरद ऋतु भादों क्वार के ये दो महीने शरद के माने गए, हालांकि भादों में बहुत गर्मी होती है, तीव्र गर्मी होती है, किंतु हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भादों और क्वार में हो सकता है पिछले वक्त में और अब के वक्त में कुछ अंतर आया हो। शरद ऋतु कन्या और तुला के सूर्य में होती है। इसके बाद आते हैं कार्तिक और अगहन, दो महीने, जबकि सूर्य वृश्चिक और धनु राशि में रहता है, तब हेमंत ऋतु पृथ्वी पर होती है और फूस और महा इन दो महीनों में सूर्य मकर और कुंभ में रहता है और इस समय शिशिर ऋतु पृथ्वी पर मानी जाती है। उपवास के बारे में बताएं, एक दिन का उपवास, एक सप्ताह का उपवास, एक महीने का, 40 दिन का, या बहुत से वर्ष भर के रखते हैं और बहुत से लोग आजीवन उपवास रखते हैं। इससे क्या लाभ है उपवास रखने से? एक बार देवलोक में एक सभा थी, ब्रह्मा जी ने देवताओं के वैद्य धन्वंतरी से पूछा, हे धन्वंतरी, पृथ्वी लोक में अधिकांश लोग बीमार रहते हैं,
उनके लिए क्या तुमने कोई ऐसी औषधि बनाई जिसको खाना भी ना पड़े, जो पृथ्वी पर भी नहीं उपजती हो और जिससे सब मनुष्य स्वस्थ हो जाए? तब वैद्य धन्वंतरी ने कहा, पिता मैंने ऐसी औषधि को खोजा है जिसको खाने की भी जरूरत नहीं और जो पृथ्वी पर या पर्वतों पर भी नहीं उगती, न जल में उगती है, और सभी बीमारियों में एक ही औषधि दी जाती है। सभी देवगण इस बात को सुन के चकित हो गए, ऐसी कौन सी औषधि है? धन्वंतरी ने कहा, पितामह, ऐसी औषधि उपवास है। उपवास करने से मनुष्य की समस्त बीमारियां, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। शरीर में तृष्णा, विषय वासना, क्रोध, लालसा, अधिक भोजन की इच्छा, ये बीमारी के कारण होते हैं। उसी से कभी वात, कभी पित्त, कभी कफ बढ़ जाते हैं और मनुष्य सदा औषधियां खाने के बाद भी बीमार बने रहते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। मनोविकारों को दूर करने के लिए उपवास है। उपवास करने से मनुष्य का हृदय, मन, विचार, उसकी वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं। मनुष्य की तृष्णा नष्ट होने लगती है उपवास से। जिस समय आदमी कई कई बार दिन में भोजन करता है, उसके शरीर में आलस्य, प्रमाद और अन्न का नशा उसको उच्च जीवन की तरफ नहीं जाने देता। वो आलस में गिर जाता है, कुछ भी काम करने को उसका मन नहीं करता और बिस्तर पे पड़ा रहता है। इसलिए मनुष्य को बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। जो योगी हैं, सिद्ध हैं, संत हैं, उनका आहार बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, और जो ग्रस्त भी हैं उनको भी प्रातः और संध्या में दो बार ही भोजन करना चाहिए। अधिक भोजन करने से, बार बार भोजन करने से उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बिगड़ती चली जाती है। गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है, गोपथ ब्राह्मण एक पुस्तक है जो कि वेदों के विषय में, वेदों की व्याख्या उसमें है, उपवास कैसे करें, मन को शांत कैसे करें, साधना कैसे करें, यज्ञ कैसे करें आदि आदि। तो गोपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर ऋषिगण कहते हैं, 3 रात्रि तक निराहार रहकर जो परम ब्रह्म के मंत्र को जपता है उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है।
उसकी सांसारिक कामनाओं की निवृत्ति होने लगती है, समाप्ति होने लगती है और उसमें ब्रह्म कामना, ईश्वर कामना जागृत हो जाती है। स्वार्थ, लोभ और पाप, इन तीन कारण से संसार में मनुष्य की दुर्गति होती है। स्वार्थ, लोभ और पाप, और यदि मनुष्य इन तीनों का त्याग कर दे, स्वार्थ, लोभ और पाप, इन तीनों का अगर वो त्याग कर दे तो वो निश्चय ही देवता, देवताओं जैसा जीवन प्राप्त कर लेता है। एक पूछा है, एक दो बार ऐसा हुआ है, निर्जल उपवास चल रहे थे, कल्प चल रहा था और वहाँ प्रातः का जो अल्पाहार हम लोगों का होता है, बन ही रहा था कि सूर्य उदय हो गया, जरा सा किनारा चमकने लगा और जो आयोजक थे वे परेशान होके हमारे निकट आए। कहा, गुरुदेव प्रातः का अल्प आहार तैयार है किंतु शीघ्रता ना होने से सूर्य का किनारा दिखाई पड़ने लगा है। अब समस्या दो, यदि उस स्थिति में सबको कहते हैं कि आप लोग नाश्ता करो, तो सबके उपवास चल रहे हैं, ये तो सूर्य उदय हो गया है और व्रत भंग हो गए, और यदि नहीं ग्रहण करते तो जो आयोजक है उसने इतना सब कुछ, कई सौ लोगों का अल्प आहार बनवा दिया है, उस बने हुए का क्या होगा और उस आयोजक के, साधक के हृदय में हमेशा के लिए दुख ठहर जाएगा, मुझसे कितना अपराध हुआ, सही समय पर अल्पाहार तैयार नहीं हुआ, गुरु महाराज ने कुछ ग्रहण नहीं किया, संगत ने भी कुछ ग्रहण नहीं किया और आज सब ऐसे ही उपवास रखेंगे। ऐसी हालत में असमंजस की हालत, धर्म संकट की हालत, एक दो बार ऐसा हुआ है तो हमने उन सबको अनुमति दी, आप सभी परमेश्वर का नाम लेके और ये प्रसाद आप ग्रहण करें। सबने प्रसाद ग्रहण कर लिया, आयोजक ने तो महान धन्यवाद किया, प्रभु मेरी गलती को आपने संभाल लिया, मेरे मन में जो पश्चाताप था अब भी है, उसका बोझ कम हो गया है, आपकी करुणा से मेरा ये प्रयास जो असफल हो गया था किसी हद तक सफल हो गया, लेकिन मुझे फिर भी दुख है कि समय पर ये नहीं हो पाया, मैं बहुत आभारी हूँ। अब जिन लोगों के व्रत थे उनमें से कुछ आए, कहा, गुरु महाराज आपकी वजह से तो हमारा व्रत भंग हो गया। हमने कहा बिल्कुल सही बात है,
किंतु आप ये सोचिए, यही स्थिति आपके साथ होती, आपके घर में ये आयोजन होता और किसी कारण से थोड़ा सा विलंब हो गया होता और सारा का सारा प्रसाद बना हुआ ऐसे ही रखा रह जाता, उस समय आप क्या कहते, क्या करते, मन में क्या विचार उठते? तो व्रत भंग हुआ, किंतु इस व्रत भंग से भी एक बड़ी चीज है महाव्रत। व्रतों में भी एक महाव्रत होता है, क्या? किसी के टूटते हुए हृदय को बचाना। हालांकि व्रत भंग है, किंतु उससे भी बड़ी बात है, एक व्यक्ति के हृदय में हमेशा के लिए दुख बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जो गुरु पद पे हैं, उनको धर्म संकट जब सामने आता है तो हर एक व्यक्ति के मन को देखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में महाव्रत ये होता है कि ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए उस प्रसाद को हम सब ग्रहण कर लें। और ये केवल गुरु के लिए है, संगत के लिए नहीं। कि आप ये सोच के कि गुरु महाराज ने ऐसा किया था, चलो आप किसी शादी में गए हैं, दोपहर का वक्त है, जी खाते क्यों नहीं, खा लो, हमारे तो पहली बार शादी है। और हाँ, गुरु जी ने तो कहा था कि किसी का दिल ना टूटे और खा लो, 10 रसगुल्ले ना खाओ, 5 खा लो। नहीं, गलत। संगत के लिए ये विधान नहीं है। इसका निर्णय संगत के लिए केवल गुरु करते हैं। जैसे एक बार दोपहर में सत्संग था शेरकोट में, वहां हमारे देवता थे यमराज, आयोजक यमदूत, यमदूत उनके यहाँ, और वो हरिजन परिवार से आते हैं। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि फुलसंदे वाले तो हरिजनों में भोजन ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये उनकी छोटी सोच। हमारे यहाँ तो वाल्मीकि भी हैं और भी हैं और भी हैं और भी हैं, ये बहुत छोटी छोटी छोटे दिमाग की ये चीज़ें होती। यहाँ खाना नहीं खाएंगे, वहाँ नहीं खाएंगे, वहाँ नहीं खाएंगे, वहाँ नहीं खाएंगे। गुरु ने जिन आत्माओं को अपने परिवार में ले लिया है तो उनके परिवार में और उनमें कोई अंतर नहीं रहा। चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जाता शामद हम रसूल। अगर तूने गुरु का हाथ पकड़ा है तो समझ ले तूने परमात्मा का हाथ पकड़ा है, और जो परमात्मा का प्रकाश है वही गुरु में और वही तुझ में, इसके सिवा तू और कुछ मत सोच। किंतु उस गांव में स्थिति ऐसी बन गई, सबने ये निश्चय कर लिया कि वो इसी वजह से उनका उपवास है कि वो खाएंगे नहीं, वो अपना बचाव कर रहे हैं, वो खाना नहीं चाहते। खाने पीने की कोई बात थोड़ी होती, रात दिन हम खाते हैं, खाने से ही हमारा शरीर निर्मित अन्नमय कोश है। ये छोटी बुद्धि जिसकी होती उसकी बातें भी छोटी होती। तो वहाँ हमको पता चला, यमदूत ने कहा गुरु महाराज ऐसे ऐसी बात है और मेरे गांव में तो सब ऐसा कह रहे हैं, और शाम को हमें किसी दूसरी जगह जाना था। मान लीजिए रात को हम वहाँ रुकते और शाम को व्रत खुलता तो हम वहाँ खाते, लेकिन संयोग ऐसा बना कि उस दिन दोपहर का सत्संग करने के पश्चात रात्रि का सत्संग किसी दूसरी जगह था। तो हमने 8-10 दिन पहले कहा, भाई यमदूत आप सबको कह दो कि हम बीच दोपहर में सत्संग के बाद, जब सत्संग समाप्त हो जाएगा
तो हम अपना उपवास थोड़ी देर के लिए खोलेंगे और हम वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, जिससे उनके हृदय में कोई कांटा चुभा हुआ ना रह जाए, कोई शंका ना रह जाए, कोई छोटापन दिमाग में ना रह जाए। तो वहाँ भी ऐसी स्थिति आई सत्संग के बाद में, जब संगत को प्रसाद भोजन का बांटा गया, ऐसी भीड़ लग रही चारों तरफ, हजारों आदमी, जैसे सर्कस लोग देखने आए हो, सर्कस आसपास के गांव के भी और उसके भी, कि देखो अब क्या होगा, कैसे करेंगे। तो ये भी कोई बात है, लोग जरा जरा सी चीज़ को मुद्दा बना लेते हैं। वो जानते नहीं परमात्मा क्या है, वो जानते नहीं गुरु क्या है, वो जानते नहीं शिष्य क्या है, वो जानते ही नहीं परमात्मा का मार्ग क्या है। तो वहाँ हमने कटोरे में वो कड़ी चावल लेके और खा रहे हैं, सब ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या सीरियल चल रहा है। तो ये भी केवल उनके लिए जो गुरु पद पे, आप लोगों के लिए ये भी नहीं है। इस बात को स्पष्ट मैं करता जा रहा हूँ। आप गए किसी दावत में, जी खा लो, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारा सिरकोट में खा लिया था, वे गुरु पद पे। आप अपने उपवास को, व्रत को किसी के कहने से ऐसे खंडित ना करें। और वो खंडित नहीं हुआ, ये सतपुरुषों का महाव्रत है, व्रत खंडन नहीं है, यह महाव्रत कि जिससे समाज में, लोगों में धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, सत्य मार्ग के प्रति पूर्ण आस्था निष्ठा समाप्त ना हो, वो बनी रहे। इस कारण से संगत में कोई भी भूल के ऐसा न करे। जैसे हमारे एक सत्संगी गए थे किसी रिश्ते में, अजी भगत जी लो खाओ, अरे भैया व्रत है, अरे व्रत तो रखते ही रहो, लो भाई लाओ तो फिर लाओ खाओ ले, और क्या व्रत तो, अरे लोग खा ले अब कौन सा ना है, अब भी व्रत है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं। उसमें मतलब एक सिद्धांतों की हंसी होती है, या कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, बहुत ज्यादा बीमारी ऐसी हो गई है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इस समय आप ये दवाई ले लो या इंजेक्शन ले लो। जैसे मुसलमानों में भी क्या कहते हैं कि अगर रोजे से हैं वो तो इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकते, क्योंकि पानी अंदर चला गया, दवाई अंदर, वो अपना विधान है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही विधान है। किंतु सबसे ज़्यादा जरूरी है शरीर की रक्षा, और रक्षा तो परमात्मा ही करता है। डॉक्टरों को भी 100 डॉक्टर आप ला के खड़े कर दो, अगर मृत्यु है तो वो भी नहीं बचा सकते। किंतु ऐसे अवस्था में हम संगत को कहते हैं कि अगर बहुत ही आवश्यक है तो हमें डॉक्टर की राय मान लेनी चाहिए, और एक दिन का उपवास आप स्थगित कर दीजिए, या कहें कि 2-4 दिन आपको ऐसे रहना पड़ेगा तो ना रखें, जल और फल वाले रख लें, वो अलग स्थिति आती है। तो इसमें यह है व्रत भंग या महाव्रत। ये महाव्रत जो हैं केवल गुरु के लिए हैं, संगत के लिए, आपके लिए नहीं। कभी आप भी इन चीज़ों का प्रयोग करने लगो, और कहीं भी जाओ कि अब तो कोई बात नहीं, अब तो छूट मिल गई है, ऐसा नहीं। हाँ ये है कि आप सुबह से ही ना रखें व्रत तो कोई बात नहीं कि हमारा व्रत नहीं है, हम खा पी लेंगे तो खा लो, और जिस दिन व्रत है तो उसको आप पूर्ण करें, पूरा करें, बीच में ना छोड़ें। भारतवर्ष में हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हाथ से भोजन करना सबसे उत्तम माना जाता है, हालांकि ज़्यादातर हम लोग भी चम्मच से खाते हैं। अब बचपन से माता पिता ने ऐसी आदत डाली, लो बेटा चम्मच से खाओ, और खीर है, खीर तो हाथ से खाना बड़ा मुश्किल पड़ता है, गिरेगी, मुंह सन जाएगा, कपड़े सन जाएंगे, लेकिन पहले हमारे लोग, हम देखते हैं थाली में खीर है और उसको हाथ से खा रहे हैं, दाल चावल हाथ से मिला के
प्रकार है। इसका वैज्ञानिक कारण होता था, हमारे हाथ के पोर्वों में विद्युत तरंगे होते हैं पोर्वों में, तो जिस समय हम भोजन करते हैं और ये हमारे मुख से होठों से इन उंगलियों का स्पर्श होता है, तो उस अन्न के साथ ही विद्युत तरंगे हमारे भीतर प्रविष्ट होती हैं, जो कि कई प्रकार के रोगों को नष्ट करते हैं। ये विज्ञान है। जैसे दांतों को वो प्रभावित करते हैं, हमारी उंगलियों की विद्युत तरंगे हमारे दांतों को प्रभावित करते हैं, होठों को प्रभावित करती हैं, और जिभ्या के रोग उससे शांत होते हैं, और कई प्रकार के रोग हैं, त्रिदोष शरीर में जो होते हैं वात पित्त कफ, ये भी उससे संतुलित हो जाते हैं केवल हाथों की विद्युत से। ये विज्ञान है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। आप कहेंगे चम्मच जब पकड़ रखिए तो विद्युत तो उस पर भी जा रही होगी, जाती होगी, लेकिन कम है। ये शरीर है और ये भी, यहाँ भी शरीर का हिस्सा है, तो इसका इससे संबंध है, इसका ज़्यादा असर पड़ता है, उसका कम पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है स्नान किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए, और आजकल तो नेट पे क्या क्या डालते हैं कि सुबह जब आँख खुले कुल्ला भी मत करना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। जो मुंह का अला बला है, बवाल है, गंदगी बाहर निकल जाएगी, इसको निकालना नहीं, तुरंत पानी गटक जाओ, वो सारा का सारा बवाल अंदर जाना चाहिए, और वो बड़ा लाभ करेगा। लोगों का ऐसा बहुत सारे 80% यही करते हैं, सुबह को कुल्ला भी नहीं करते, स्नान तो दूर की बात, और पानी गटागट कि इसका तो बड़ा लाभ है साहब, और बड़े अच्छे अच्छे लोग इसका समर्थन करते हैं। लेकिन मनु महाराज क्या कहते हैं, अस्नाय समलम भुक्ते, बिना स्नान किए कुछ खाना पीना जल भी ऐसा है जैसे मल भक्षण कर रहे हैं, गंदगी को खा रहे हैं। और जब हम भोजन करते हैं तो उससे पहले उस भोजन को हमें परमात्मा को अर्पित करना चाहिए, प्रार्थना पढ़नी चाहिए। पढ़ते ही हम लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं पढ़ते और वे इसकी आवश्यकता भी नहीं समझते। इसके विषय में हमारे ऋषि क्या कहते हैं, परमात्मा को, देवताओं को, पितरगणों को भोजन अर्पित किए बिना जो भोजन ग्रहण करता है उसके विषय में क्या मंत्र है, अन्न विष्टा जलम मूत्रम यद विष्णोर न निवेदितम। भोजन तो ऐसा है जैसे विष्टा खा रहे हैं, और जल ऐसा है जैसे मूत्र का पान कर रहे हो, पी रहे हैं। यदि उस भोजन को हम परमात्मा को अर्पित नहीं करते, देवों को, देव कौन है, हमारे माता पिता गुरु, ये हमारे देवता हैं। पितर कौन है, जो हमारे घर में वृद्ध हैं या और दूसरे हैं। ईश्वर को, देवगणों को, माता पिता को अर्पित किए बिना हमें स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो अशुद्ध माना जाता है। भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन का पूजन करें। पूजन वही है जैसे ज्योत जल रही है तो वहाँ पे प्रार्थना पढ़ लें, और उसमें से कुछ ला करके अग्नि में डालते हैं, अग्नि में उसको अर्पित करते हैं।
और जब भोजन सामने आता तो उस पे जल भी ऐसे जल परिक्रमा करते हैं उसके। ये प्राचीन हमारे नियम हैं हमारे ऋषि गणों के। ओम सर्वपित्राय नमः सर्वदेवाय नमः पारब्रह्म परमेश्वराय नमः एक तो सच्चा तरणाम ऐसे करके और उस भोजन को तीन हिस्सों में विभाजित करते हैं, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, पंछियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए। उसके पश्चात हम भोजन करने बैठते हैं, तब वो भोजन शुद्ध माना जाता है, अन्यथा वो अपवित्र ही माना जाता है। जब उस समय हमारे अंदर क्या है, ब्रह्म भावना का उदय हो जाता है, हमारे मन में ईश्वर चिंतन आ जाता है, परोपकार की भावना होती है कि हम गाय को दे रहे हैं, कुत्ते को दे रहे हैं, देने वाला तो परमात्मा है, लेकिन प्रतिदिन क्योंकि हम भोजन करते हैं तो उस समय ऐसी भावना हमारे भीतर आना बहुत आवश्यक होता है। फूटे बर्तन में भोजन ना करें, बर्तन घर में टूटे फूटे, गिलास टूट गया उसी में पानी पी रहे, नहीं, उससे दरिद्रता घर में आती। टूटे हुए शीशे में मुंह देखते रहते हैं, शीशा टूटा हुआ रखा उसी में देख रहे हैं, बस दूसरा शीशा ले आओ उसको फेंक दो। टूटे हुए बर्तन में, टूटे फूटे आसन, फटे हुए आसन से नहीं बैठना चाहिए, उससे घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। ये हमारे प्राचीन ऋषियों का वचन है। जूते चप्पल पहनकर भोजन ना करें, ब्याह शादी में आप चले जाते हैं या घर में टेबल रख ली, लाओ भाई खाना, और वहीं सोफे पे बैठे और जूते पहन रखे चप्पल पहन रख कर खा रहे हैं, उसका क्या कारण है? दुनिया भर में हम घूम के आ रहे हैं, जूतों में पता नहीं क्या क्या गंदगी लग रही है, मट्टी लग रही है, अशुद्धता है, और चमड़ा तो है ही, वो जानवर का चमड़ा पहन बैठे, यहाँ तक कि हाथ में भी घड़ी बांधे रहते हैं। आप कहेंगे ये तो आप बिल्कुल दकियानूसी जमाने की तरफ जा रहे हैं। दकियानूसी जमाने की तरफ नहीं, हम एक वैज्ञानिक तथ्य बता रहे हैं। क्यों नहीं, हमें उस समय हमें चमड़े की वस्तुओं को क्यों नहीं प्रयोग करना चाहिए? उसका वैज्ञानिक कारण यह है, आपके जो ये घड़ी बंध रही है तो इसमें जो फीता है कपड़े का तो होगा नहीं, चमड़े का ही होगा, और वो चमड़ा किसी न किसी पशु का होगा, और उसकी गंध दुर्गंध भी आती है, और भोजन के समय जो हाथ हमारे मुख के निकट ही रहता है वो हमारी सांसों को, प्राण शक्ति को उसकी गंध प्रभावित करती है, उससे बीमारियां होती हैं। कई प्रकार की बीमारियां तब होती हैं जब हम हमारे आसपास चमड़ा होता है और हम भोजन करते हैं, होता है पशु का चमड़ा होता है। तो ये बातें बहुत सूक्ष्म वैज्ञानिक जो कहते हैं ना कि ऐसा क्यों, इसका क्या कारण, वो कारण इसमें हम बता रहे हैं। जूते चप्पल पहनकर भोजन ना करें। पंक्ति में जो भोजन करते हैं जाके, तो उसमें कई तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एकदम झटपट सबसे पहले जाके बैठेंगे, हमें लाओ खाना। ऐसे लोग ऋषि गणों के दृष्टि में अच्छे नहीं माने जाते। सबसे पहले गए अपने जमा के बैठ गए आसन, पहली पंक्ति में शुरू में लाओ भैया झटपट दो हमें। अच्छे लोग वे हैं जो सेवा की भावना रखते, आओ भैया आप बैठो, आओ आप बैठो, आप खाओ, हैं? एक तो ये भावना, और एक बस चले गए, लाओ भाई लाओ। और ऐसे होते हैं जो बोलते रहते हैं भोजन करते समय, वे दूसरों के मन में ग्लानि को पैदा करते हैं। ग्लानि यानी एक तो शुभ भावना और एक अशुभ भावना दिमाग में से चोट से। भोजन करते समय बिल्कुल मौन रहना चाहिए,
हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जो लोग भोजन करते समय बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चकड़ चकड़ करते रहते हैं, वे नरकगामी होते हैं। हमारे ऋषियों का सिद्धांत है जब भोजन करें मोबाइल ऑफ कर दें, उस समय मोबाइल भी ना सुने, टीवी भी ना देखें, और पंक्ति में आप बैठे हैं तो बिल्कुल शांत होके भोजन करें, बात ना करें। और एक होता है चपड़ चपड़ करके बहुत कुछ आवाज करते हुए जो लोग भोजन करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुत्ता पानी पी रहा हो, या चपड़ 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 चपड़, ये हमारे अवगुण बन जाते हैं। संगीत के विद्यार्थियों को बताया जाता है कि संगीतकारों के गुण अवगुण क्या होते हैं, ऐसी भोजन करने वालों के गुण अवगुण क्या होते हैं वो बताए जा रहे हैं। मिर्ची लग जाएंगी तो अबे पानी लाओ, और ज्यादा सांस खींचेंगे जोर से दिखाने के लिए, उससे क्या होता है दूसरे क्या समझेंगे, कितना बेवकूफ है, कितना असभ्य है। एक बार एक नवयुवक आया चाय का गिलास हाथ में, इधर मुंह से भी आवाज निकली, सुड़ 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 हो रही, और उसे चाय में फूंकी मारे, गर्म है गर्म है। लेकिन ये तरीका विद्यालय में तो ये तरीके सिखाए नहीं जाते, विश्वविद्यालय में नहीं सिखाए जाते, लेकिन ये जो हमारी हरकतें, क्या आप समझते हैं सभ्य समाज में आपको सभ्य माना जाएगा? कुछ लोग टॉयलेट में जाते हैं और गंदा जैसे का तैसा छोड़ के चले आते हैं, फ्लश तो दबाना होता है उसमें, फ्लश नहीं मान ली बाल्टी रखी तो पानी डालना होता है। आपके बाद जो उसमें व्यक्ति जाएगा तो वो आपके विषय में क्या धारणा बनाएगा, भले ही वो आपको जानता नहीं है, आप चाहे आधे घंटे वहां से पहले निकल गए तो उसके मन में ग्लानि पैदा होगी, वो कैसे बेवकूफ आदमी है, देखो गंदा छोड़ गए पानी भी नहीं डाला जाता, क्या दुष्ट आदमी है, क्या बुरे आदमी, ग्लानि पैदा होती है। यहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीच मार्ग में मलमूत्र त्याग देते हैं उनको विशिष्ट प्रकार की बीमारियां होती हैं, विशिष्ट प्रकार की, विशेष प्रकार की बीमारियां होती हैं जो बड़ी कष्टदायक होती हैं। क्यों? जो लोग उधर से गुजरते हैं अरे उनके मन में ग्लानि पैदा होती है, तो वो ग्लानि की तरंगें उस व्यक्ति पे जाती हैं जिसने वो कार्य किया। तो हमारे धर्मशास्त्र में इतना सूक्ष्म विज्ञान का विवेचन है, वो कहते हैं चौराहे पे मार्ग के बीच में बिल्कुल जलाशय के निकट, मंदिर के निकट, घर के निकट, पवित्र स्थलों के निकट मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, उससे मनुष्यों में ग्लानि पैदा होती है और ग्लानि से जो तरंगे निकलती हैं वे उस व्यक्ति पे पहुंचती हैं और उसको विशेष प्रकार की बीमारियां शरीर में पैदा हो जाती हैं। आप देखो आपको पता भी नहीं होगा आपने ऐसा किया और बीमारी क्यों हुई, ये मनोविज्ञान है। आप रोज सुबह सुबह रास्ते में झाड़ू लगाते हैं और बहुत से लोग उधर से गुजरते हैं तो उस स्वच्छ मार्ग से रास्ते से जो आदमी गुजरेंगे उनके मन में भाई वाह है भाई क्या कहने, देखो रोज यहां से वहां तक रास्ता साफ कर देते हैं, कितना अच्छा आदमी, कैसी स्वच्छता रखते हैं, एक अमृत भाव उनके मन में पैदा होता है और उनकी वे मानसिक तरंगे उस कार्य करने वाले से जाकर के टच होती है तो उसके शरीर के रोग दूर होते हैं। सेवा करने से, शरीर की सेवा करने से शरीर के रोग दूर होते हैं।
आप आश्रम में आते हैं, भंडारे में जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, बर्तन मांजने की सेवा करते हैं, झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं, तो जो उस कार्य को महसूस करते हैं, देखते हैं, तो उनकी अमृत तरंगे आपको प्राप्त होती हैं, ये निश्चित है। चाहे उन्होंने आपको देखा भी नहीं, लेकिन जब वो देखेंगे, भाई बड़ी स्वच्छता है, भाई वाह क्या बात है, तो ये क्या बात से जो शब्द से जो अमृत किरण निकलेगी वो आपको प्राप्त होगी और वो आपको शारीरिक मानसिक संतुष्टि प्रदान करेगी। ये तरंगों का मनोविज्ञान है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जूते चप्पल पहन के भोजन ना करें, पंक्ति भोज में, जहाँ पंक्ति में बैठ के बहुत समूह में हमें भोजन करना होता है, झटपट खाने का प्रयत्न करें और चारपाई पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में कहा है, जिस शैया पर आप शयन करते हैं उस पर बैठकर भी आपको भोजन नहीं, उससे अलग किसी स्थान में, और कुर्सी पे ऐसे पैर लटका के भी बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध तरीका वो होता है कि आप पृथ्वी पर बैठे, पालथी मार कर बैठे, और उसमें भी हमारी नाड़ियों का एक विज्ञान होता है, और गांव में तो ऐसे उकड़ियों बैठ के भोजन करते हैं तो उनका पेट नहीं बढ़ता उससे, लेकिन जो पालथी मार के भोजन करते हैं वो शुद्ध तरीका है, सही तरीका है, वैसे हमें भोजन करना चाहिए। और भोजन करते समय भोजन की निंदा ना करें, अन्न की निंदा ना करें, ये कैसा बन गया, ये कैसा बना दे, बताओ ये तो ऐसा हो गया, ये रोटी तो कच्ची रह गई, इसमें तो नमक ज़्यादा डाल दे, नहीं, जब उसका भोग हमने परमात्मा को लगा दिया है तो वो प्रसाद हो गया, परमात्मा ने वो ग्रहण कर लिया तो हमें तो प्रसाद मान के प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न चित्त से, खिन्न चित्त से नहीं, प्रसन्न चित्त से हमें उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए और मौन रहकर भोजन करना चाहिए। भोजन को कपड़े पे रख के नहीं करना चाहिए। एक बार हमने देखा, एक महिला आई और उसने कहा हमें खाना दे दो, बोले लो, तो उसने थाली में से दाल चावल लेके अपना कपड़ा फैलाए, कपड़े पे डाल लिया और उसमें खा लिया। पहली बार हमने देखा कि लोग ऐसा भी करते होंगे, अपने कपड़े पे लेके बाद में कपड़ा धो लिया, लेकिन ये तरीका उचित नहीं है। हाथ पे रख के खाते हैं, हाथ पर इस हाथ पे रोटी रख ली और खा रहे हैं, चलो साधु फकीरों को तो ठीक है, वे तो हैं ही ऐसे, कोई बात नहीं उनके लिए, अब वो कहाँ से थालियाँ लाएं या क्या करें क्या नहीं करें उनकी बात अलग है। करपात्री भी होते हैं महात्माओं में, जैनियों में, वो हाथों में ही भोजन लेते हैं और उसमें वो तो उनकी त्याग वृत्ति में आता है, लेकिन गृहस्थ पुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे उनके यहाँ धन लक्ष्मी आदि की कमी होती है, उनको विधिवत सही प्रकार से बैठ के शांतिपूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक, और उस समय लड़ना झगड़ना तो बिल्कुल चाहिए नहीं। कुछ महिलाएं होती हैं, देखती हैं अब ये पति आया, अब हाथ लगा, पूरे दिन तो बाहर था और उस वक्त जली कटी कड़वी कड़वी उल्टी सीधी सुनाने शुरू करते हैं, ये पैशाचिक भोजन कहलाता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसे भोजन को तुरंत जो पैशाचिक पिशाच आत्माएं होती हैं वायुमंडल में उस व्यक्ति के शरीर में आकर के वो उसको ग्रहण करते हैं, उससे मनुष्य के शरीर में विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, मानसिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। भोजन करते समय प्रसन्न शांत और मौन रहना चाहिए। भोजन का समय होता है जैसे यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ के समय जो पवित्र भावना हमारे भीतर होती है ठीक वही भावना भोजन के समय होनी चाहिए, क्योंकि एक एक ग्रास उठा के हम इस जठराग्नि में आहुति देते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा,
ओम उदानाय स्वः, पांच प्राण हैं, इन पांच प्राणों की आहुति हमारे ऋषिगण करते हैं और शुरू में प्रार्थना करते हैं, तो उससे हमारा चित्त ईश्वरमय हो जाता है। ऐसी अवस्था में किया हुआ भोजन अमृत रूप होता है। हाथ पर रखकर भोजन ना करें, आंखड़े के पत्ते पे ना खाएं, वट वृक्ष के पत्ते पे भोजन को ना रखें, पीपल के पत्ते पे ना रखें, पत्थर पे रख के ना खाएं। मान लीजिए कहीं पहाड़ में गए तो वहाँ पत्थर पे ऐसे ही रख के खा रहे, गलत। और तांबे के पात्र में भी भोजन वर्जित होता है। तांबे के पात्र में भोजन जल्दी ही बिगड़ जाता है। तांबे के पात्र में केवल जल को पीना उचित तो होता है। और अब तो तांबे के बर्तन केवल पूजा आदि में काम में लाए जाते हैं। तांबे के पात्र में रखा हुआ भोजन थोड़ी ही देर में बिगड़ जाता है, विषयुक्त तो हो जाता है। और दुष्ट लोगों के साथ बहस करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। दुष्टों के संग, दुष्ट विचार वालों के संग बहस करते हुए, कलेश करते हुए, कलह करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। वो आसुरी भोज माना जाता है। भोजन बनाने वाले इधर की उधर की, यहाँ की वहाँ की बातें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, कुछ का कुछ बक रहे हैं, वो सारी तरंगे उस अन्न में प्रविष्ट हो जाती और वे खाने वालों को और जो बना रहे हैं उनके शरीर में भी वे रोगों को पैदा करते हैं। ये विज्ञान है। भोजन कर लेने के पश्चात फिर परमात्मा का धन्यवाद करें, धन्यवाद का मंत्र बोल के उठें। हम लोग तो त्र्यंबकम बोलते हैं बाद में, और अधिकांश लोग हम देखते हैं रसोई में खाते रहते हैं, उठते रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। मन में बोलना चाहिए, या जब समूह में बैठें तो देखना चाहिए, सबको एक साथ बैठना चाहिए, एक साथ उठना चाहिए। जो बीच बीच में उठते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो धर्म अनुशासन के विरुद्ध। एक साथ बैठें तो एक साथ ही उठें। मान लो थोड़ा कुछ देर भी लगा रहे तो लगाने दो, कोई बात नहीं, सबको एक साथ उठना चाहिए। पहले गांव में ऐसा ही होता था, कहीं दावत में जाते थे और वहाँ सब बैठे हैं, तो जब एक एक आदमी खा नहीं लेता था तब तक बीच में से कोई उठता नहीं था, बहुत ही बुरा माना जाता था कि ये बीच में उठ गया गंवार आदमी, उठता ही नहीं था। कोई उठता भी था तो वहां पे बूढ़े होते थे, ओ बैठ, यहीं बैठ, दिमाग खराब है तेरा, बेवकूफ है, सबके साथ उठना जल्दी काहे की है, हैं? काहे की हबड़ सबड़ है हमें, जल्दी जल्दी काहे की जल्दी। आत्मा को शांत रखो, मन को शांत रखो, शांतिपूर्वक भोजन करो। भोजन के पश्चात हमें उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिसकी कृपा से हमें ये भोजन प्राप्त हुआ है। राजा महाराजा सोने के बर्तन में भोजन करते थे, स्वर्ण पात्रों में भोजन करना, सोने को पहनना, इसका भी विज्ञान है। उससे क्या होता है, स्वर्ण ऊर्जादायक होता है। किसी को बहुत कमजोरी महसूस होती है, कमजोरी को नष्ट करने वाला, त्रिदोष नाशक, वात पित्त कफ। और मिश्र में तो क्या करते थे, मिश्र में जो वहाँ के राजा और रानी बहुत बहुत सोना पहनते थे, उससे भी बीमार नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे, क्योंकि सोने से ऐसी किरणें निकलती हैं उनके पहन। आज भी हमारी माताओं को कोई खूब सारे गहने पहना दो,
ऐसी फूली फूली फिरेंगे कबूतर की तरह। और ये देखेंगे, ये देख रही ना मेरे इसको, ये तन्नो मेरा ये कुंडल भी देखा है ना, है उनमें एक गर्व की भावना, गर्व की भावना, सौंदर्य वर्धन की भावना, और कुछ ऐसे इतने इतने जेवर पहनेंगे, यहाँ से यहाँ तक सोने की चूड़ियाँ पहने रहेंगे। कोई बुरा नहीं है, पहन लो, पर चोरों से सावधान रहो। ये ऊर्जा वर्धक होता है, बीमारी नाशक होता है, लेकिन उसको संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि चोर पीछे लग गए और सिर काट दिया और जेवर ले गए। रेलगाड़ी में कोई बैठी माता और उसके गले का यूं हार खींचा और भाग गए, कानों के कुंडल खींचे और हाय ले गए ले गए ले गए, हैं वो कहते रहो ले गए ले गए। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि ये शरीर की कमजोरी को दूर करता है और मनुष्य के भीतर एक विशिष्ट स्थिति को पैदा करता है। और जो वहाँ की रानियाँ थीं मिश्र की, वे तो सोते वक्त एक मास्क जैसा आजकल हमारे यहाँ सब मुंह पे आधा लगा रहे हैं कोरोना की वजह से, वे पूरा उनका ऐसा मुंह ढका रहता था, सोने का मास्क होता था, आंखों की जगह थोड़ा सा खुला हुआ और नाक की जगह खुला हुआ, बस सोते समय वो मास्क लगाने से उनकी ऊर्जा बढ़ती रहती थी उनमें, मतलब कमजोरी उनको कभी महसूस नहीं होती। एक तो वैसे भी वो आहार का, खाने पीने का ध्यान रखते होंगे और उससे वो बीमार नहीं होते। ऐसे ही चांदी के पात्र में जो भोजन करते हैं, दूध पीना सबसे अच्छा होता है। चांदी के पात्र में दूध अगर पीते हैं तो उससे बहुत से जो गर्मी शरीर में होती है, दिमाग में किसी के गर्मी पागलपन है, उसमें उसको शांति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है और सोने का संबंध सूर्य से होता है। चांदी से वात, किसी के शरीर में वायु बढ़ गई तो वो नष्ट हो जाती, शीतलता प्राप्त होती है, नेत्रों में प्रकाश बढ़ जाता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है जो चांदी के बर्तन में भोजन करते। ताम्र पात्र, तांबे के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, केवल जल पी सकते हैं, वो ऊर्जा दायक होता है और कब्ज का नाश करता है। कब्ज किसी को होता है तो तांबे के पात्र में जल पिए और पित्त को भी शमन करता है। पित्त किसी का बढ़ गया है, घाव शरीर में हो गए तो भी उससे भर जाते हैं, पांडु रोग है, पेट की बीमारियां हैं, बवासीर है, ज्वर है, कोढ़ है, खांसी, सांस, दमा, टीबी, सूजन, कृमि, दर्द, इन सब में चांदी के बर्तन में जल पीना, दूध पीना या भोजन करना बहुत उत्तम होता है। कांसा, पीतल और तांबे को मिला के जो धातु बनती है वो कांसा है। इससे पित्त शुद्धि होती है और बुद्धि में वृद्धि होती है, कांसी के बर्तन में पानी पीने से या भोजन करने से। पीतल के बर्तन में बना हुआ भोजन कफ नाशक होता है, लेकिन उस पर जो कलई कराते थे ना, कलई जरूर होनी चाहिए। अगर बिना कलई के बर्तन में पकाते हैं तो वो विष जैसा उसमें हो जाता है। लोहा, लोहे के बर्तन है, कढ़ाई है, उसमें दूध पकाने से पीलिया रोग नष्ट होता है, खून की कमी दूर होती है और आयरन बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। स्टील और एल्युमिनियम ये रोगदायक होते हैं। आजकल स्टील के बर्तन चल रहे हैं और कई कई एल्युमिनियम के भगवानों में भी भोजन बनता है, तो उसमें उससे शरीर में जलन
भारीपन, पथरी और एल्युमिनियम पे ऐसे हाथ फेरो तो हाथ भी काला हो जाता है। ये रोगों को पैदा करता है। एल्युमिनियम के पात्र हमें प्रयोग नहीं करने चाहिए। भोजन पकाना और खाना ये दोनों यज्ञ रूप हैं। अग्नि में छोड़े हुए सुगंधित पदार्थ वायु से सूर्य किरणों में पहुंचकर हजारों सुखों की वर्षा करते हैं। यज्ञ जब हम करते हैं और ये भोजन बनाना भी यज्ञ जैसा है। उस समय भी जैसे यज्ञ के पास में बैठ के मंत्र बोलते हैं तो वो सहस्त्र गुना उसकी शक्ति बढ़ जाती है मंत्र की। ऐसे ही जो माताएं भोजन बनाते समय घुड़ 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 करती रहती हैं, इधर उधर की बातें करती रहती हैं, या उनके दिमाग में कलेश चलता रहता है, वो कलेश अंध में प्रवेश कर जाता है और उसको खा के बनाने वाला भी बीमार और खाने वाला भी बीमार, दोनों बीमार अवश्य होंगे। और दवाई कितने खाते रहो वो ठीक होने के नहीं। यज्ञ जो हम करते हैं, अभी हमने बताया जो भोजन है वो भी यज्ञ है। इतने मेहमान आते हैं, संतुष्ट होते हैं, भोजन करते हैं। भोजन बनाना वो भी एक कला है। आप शांत मन से हमारी माताएं भोजन बनाएं, परमेश्वर का स्मरण करते हुए भोजन बनाएं, और भोजन जब पक जावे तो जब आप भोजन परस रहे हैं तो उस परसते समय भी आपके हृदय में शांति, प्रसन्नता ये भाव रहने चाहिए। उस समय कलेश, लड़ाई, झगड़ा इन चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। उससे हमारे भीतर दिव्य गुणों की हमें प्राप्ति होती है, दिव्य शक्ति और दिव्य चरित्र की हमें प्राप्ति होती है, दिव्य लोकों की हमें प्राप्ति होती है यदि हमारी माताएं ऐसा करती। भोजन पकाते समय और खिलाते समय आप मौन रहें और परमेश्वर की मन मन में चिंतन करें। खाते समय भी ना बोलें, खिलाते समय ये है खा और ले लो और ले लो, चलो वो तो एक ही है, उनके मन को थोड़ा बढ़ाने वाली बात है। सत्य, सदाचार और नीति पर दृढ़ होकर के जब मनुष्य रहता है तो उसकी आत्मा का तेज बढ़ता है। यज्ञ वे श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है। हमने बताया यज्ञ दो तरह के हैं, एक तो जो अग्निहोत्र हम करते हैं और एक वो यज्ञ जो हमारी माताएं अपनी रसोई में करते हैं। दोनों को ही हमारे धर्मशास्त्रों में यज्ञ कहा है। जो आप भोजन बनाते हैं उसकी आहुति जठराग्नि में जाती है जो परमात्मा हमारे शरीर में स्थित है, और जो हम अग्निहोत्र करते हैं उसकी आहुति पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलती है और हजारों मनुष्यों को ही नहीं जीव जंतुओं को, प्रकृति को उसका अनंत गुना लाभ यज्ञ का प्राप्त होता है। और ऐसा यज्ञ करने वाले को देवत्व, दिव्य शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा, अमावस्या ये पूर्णा तिथि कही जाती है। इन तिथियों में किए हुए सत्कर्म, यज्ञ, दान, जप वगैरह अनेक दुख और पापों को नष्ट करते हैं और मनुष्य को ब्रह्म शांति की प्राप्ति होती है। चार तिथि एक महीने में दो दो दफा आती हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा, अमावस्या। ये पूर्णा तिथि होती हैं। इनमें मनुष्यों की शुभ कामनाएं पूर्ण होती हैं यदि वो धर्म में स्थित होते हैं। मंत्र शक्ति अग्नि से मिलकर सहस्त्र गुना बढ़ जाती है। अग्नि में औषधि, वनस्पति, गौ घृत इनके डालने से असाध्य रोग दूर होते हैं। और भोजन जब आप करते हैं या कराते हैं तो उसमें घृत, घी डालना चाहिए, तो छोंकने में घी डालते हैं या वैसे घी डालना चाहिए। उससे क्या होता है, नेत्रों की बीमारी, सिर का दर्द और बहुत सारे रोग
नष्ट हो जाते हैं। यही बात है, जब यज्ञ में हम एक जल का पात्र रखते हैं और उस पात्र को, जल को कहाँ चढ़ाते हैं? सूर्य को। और उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? ऐसे नहीं यूं चढ़ा रहे हैं, हाथ सिर से ऊपर होना चाहिए और उस वो जल धारा हमारे मस्तक पे, नेत्रों पे और होठों पे, कंठ पे, जितना खुला भाग शरीर का उस पे पड़ता है तो उनमें सूर्य की दिव्य किरणें प्रविष्ट होती हैं और उन अंगों के रोग दूर होते हैं। ये हमने इसका वैज्ञानिक कारण बताया। बहुत से सूर्य को जल देते हैं, उसका हमें पता भी होना चाहिए कि सूर्य को जल क्यों दे रहे हैं। जो हमारे असाध्य रोग हैं, सिर दर्द है किसी के, बहुत सिर दर्द रहता है, उसको प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करो और हवन में जो जल का पात्र है उसको सूर्य को, तो 40 दिन अगर आप करेंगे बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। यज्ञ में अग्नि और जल का प्रयोग होता है, आपको पता है, और गाय का घी उसमें होना चाहिए। और औषधियां, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग औषधि हमारे ऋषियों ने, शाकल्य उसको कहा जाता है, शाकल्य, शाकल्य माने सामग्री। इस बीमारी में हमको कौन सी औषधि सामग्री में मिलानी, काले तिल मिलाने हैं, मुलैठी मिलानी है, किसी को खांसी है, दमा है, तो उसके लिए जो दवाइयां आप खाते हो तो बिना खाए, बिना इंजेक्शन लगवाए, वो उसके धुएं से सांस के द्वारा हमारे अंदर और दूसरों के अंदर प्रविष्ट होती हैं तो वो बीमारियां दूर हो जाती हैं। असाध्य रोग, जिन रोगों के बारे में डॉक्टर मना कर दें बस अब ये लाइलाज है, उस बीमार को प्रतिदिन आप यज्ञ में बैठाए। परमेश्वर ने चाहा तो 40 दिन में उसकी बीमारी आधी तो हो ही जाएगी, अगर पूरी ठीक नहीं। अगर परमात्मा का ये आदेश हो गया है कि बस यमराज जी आ जाओ, इसको ले जाओ, तब तो दूसरी बात है, क्योंकि बिल्डिंग भी गिर रही है, उसको मरम्मत तभी तक हो सकती है जब तक एक लिमिट है। और जब बिल्कुल ढह गई, शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है और वहाँ से हमारे कागज कट गए हैं, बस यमराज जी अब इसको ले जाओ, बड़े दुखी हैं, हे भगवान अब तो इसे उठा ले बुढ़िया को, तो फिर और क्या हो सकता है, फिर तो उठावेगा ही। जब सब घर के सारे तंग आके कह रहे हैं हे भगवान अब तो हमारे इस बुढ़े को तू ले जा, है घर वाले तो उसे छक गए, तब क्या करेगा बेचारे को, उसका जीवात्मा है वो ले जाएगा। तो ये अलग स्थिति है। प्रतिदिन हमारे यहाँ यज्ञ होता है, आप सब लोग बैठते हैं। स्वस्थ रहने का एक बड़ा कारण यज्ञ और भोजन, आहार। आहार बनाते समय, आहार करते समय आपके मन में क्लेश, चिंता, दुख, अशांति, ये तत्व नहीं रहने चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि जैसे हम इस शरीर में रहने वाले परमात्मा को ये आहुति दे रहे हैं, एक एक टुकड़े को खाते हुए ये समझो ये हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, तब वो हमारा भोजन यज्ञ सफल होता है। और मौन रह के भोजन करें, बोलते हुए बिल्कुल भोजन ना करें। बहुत लोग गाते हुए भोजन करते हैं, गा रहे हैं, कोई गीत याद आ गया है, नहीं, उसको जो गंधर्व आत्माएं घूमते हैं उसको वो ग्रहण कर लेती हैं, जो लड़ते झगड़ते भोजन करते हैं पिशाच आत्माएं उनको ग्रहण कर लेती हैं, जो चिंतित हुए भोजन करते हैं उनको दूसरी आत्माएं ग्रहण कर लेती हैं। आप अंधविश्वास में मत पड़ना, हम केवल विज्ञान बता रहे हैं। यानी मौन रहते हुए हमें भोजन करना चाहिए और भोजन के बाद में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इन बातों का हम ध्यान रखें तो हम बीमार होने से बच सकते हैं और सुंदर स्वास्थ्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।